नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 34 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन और ये फॉरेन कंट्री में रहते हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और बिज़नेस में लॉस तो नहीं होगा, और बिज़नेस के लिए ये भी चाहते कि वहाँ पर भी बिज़नेस करें और इंडिया में भी करें, क्योंकि इंडिया में इनके पेरेंट्स भी रहते हैं तो साथ में रहना हो पाएगा। इस तरह के इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि कहाँ पे बिज़नेस करना ठीक रहेगा और बिज़नेस से लॉस तो नहीं होगा, मैरिज का क्या प्रॉस्पेक्ट दिखता है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मेन इनका क्वेश्चन है कि बिज़नेस या जॉब और बिज़नेस में क्या प्रॉस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि इनका जो हैंड है वो बिज़नेस हैंड है। हाथ की अगर बनावट देखें और साथ में अगर मैं रेखा को देखूं तो ये देखिए अच्छी खासी बिज़नेस रेखा इनके हाथ में मुझे दिख रही है। और देखिए, बिज़नेस में थोड़ा सा जो रेखा में हल्का सा ये अगर हम देखें तो बीच में से हल्की सी ब्रोकन है, तो इसके लिए मैं इनको उपाय सजेस्ट करूँगी जिससे कि ये इसका जो अच्छा इफेक्ट है वो इनको मिले। और ये जो है रेखा, ये देखिए ऐसे चल रही है। इंसान का मन ना जॉब में नहीं लगता, ऐसे लोग जॉब कर भी लें तो उनको कुछ खास सक्सेस नहीं मिलती, उनको ऐसा लगता है बस टाइम पास हो रहा है, किसी तरह कट रहा है, बस ऐसी तरह से फीलिंग आती है, किसी तरह से बस हम जॉब को चला रहे हैं, घसट रहे हैं। देखिए हाथ की अगर उंगलियों की शेप भी देखें तो ये मांसल उंगलियाँ हैं, ऐसी उंगलियां जो होती हैं वो जॉब नहीं करने देती, उनको होता है कि खुद का अपना करो, स्टार्टअप, अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाओ, इस तरह के फीलिंग्स होती हैं, इस तरह के थॉट्स इनके होते हैं। ये देखिए, अब हाथ में देखिए बिज़नेस की रेखा भी इनके हाथ में मिल गई। देखिए, अगर हाथ में बिल्कुल भी बिज़नेस की रेखा नहीं होती तो हम इनको बिज़नेस सजेस्ट नहीं करते। होता क्या है कि बिज़नेस करने के लिए इंसान को देखिए कई बार लोन्स लेने पड़ते हैं और अपनी सेविंग्स लगानी पड़ती हैं, तो बिज़नेस का डिसीज़न एक काफ़ी क्रूशल डिसीज़न होता है, काफ़ी अहम डिसीज़न होता है। तो बिज़नेस की रेखा लेकिन इनकी सपोर्ट कर रही है, तो अच्छी खासी बिज़नेस, और बुध का माउंट भी अच्छा खासा है, तो ये बिज़नेस कर ले जाएंगे और अच्छा खासा बिज़नेस करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इनका है कि इनको इंडिया में बिज़नेस करने को मिलेगा क्या, कुछ ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स हैं? जी नहीं, आपका इंडिया में बिज़नेस नहीं होगा, फॉरेन कंट्री वाला ही हैंड है। देखिए, एक तो चंद्रमा इतना ज़्यादा फ्लफ़ी है, जब भी चंद्रमा अच्छा खासा फ्लफ़ी होता है इंसान विदेश में ही रहता है, विदेश में ही काम करता है और वहीं सेट होता है। देखिए यहाँ पर ये लाइन है, ये विदेश में ही सेटलमेंट करवाती हैं। आप भले ही थोड़े समय के लिए इंडिया घूमने आ जाएँ, थोड़ा समय 5-7 महीने काट लें, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये पूरी तरह से विदेश में रहने वाला पाम है, आपको पूरी तरह से आप फॉरेन कंट्री में ही रहेंगे और फॉरेन कंट्री से ही बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब इन्होंने जो पूछा कि बिज़नेस का इंडिया में खोलें तो कैसा रहेगा, बिज़नेस में मुझे इंडिया में कुछ खास उम्मीद नहीं दिखाई देती, फॉरेन कंट्री से ही आपको टोटल इनकम जो भी होगी वो फॉरेन कंट्री से ही होगी। ये देखिए इस तरह से ये चीज़ दिखती है। और हाथ में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी ये इनकी लाइफलाइन देखें, ये इस तरह से ही चल रही है, थोड़ा डिस्टरबेंस दिखता है मुझे इनकी लाइफलाइन में, ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा वर्कलोड होना, थोड़ा सा जैसे कि ये स्वास्थ्य का ध्यान कम रखना। ये देखिए, इसको ना बुध रेखा को स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं हम, हेल्थ लाइन भी कहते हैं, ये थोड़ी डिस्टर्ब है। जैसे होता क्या है कि पेट संबंधित दिक्कतें आना, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आना और थोड़ा सा एनर्जी लेवल लो होना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, थोड़ा सा ये चीज़ मुझे दिखाई पड़ती है। इनकी एज इस समय जैसे 34 इयर्स एज है, अगर हम देखें हाथ में तो आगे मस्तिष्क रेखा में भी स्मूथनेस है। यहाँ पर इससे पहले की मस्तिष्क रेखा देखिए कितनी ज़्यादा ये ऐसा लग रहा है डार्क है, ये रेडनेस सी आ रही है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इंसान के जीवन में जैसे कि टेंशन, अभी तक इन्होंने जो समय बिताया होगा वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा होगा, इनको लग रहा होगा बस मैं फंस गया हूँ, मैं जॉब में मैं घुटन महसूस कर रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं अपने करियर को लेके, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लेके। अब जैसे जैसे समय क्रॉस होता जाएगा वैसे वैसे रिलीव एक स्मूथनेस आ रही है। थोड़ा समय इनको बिज़नेस को सेट करने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आगे जाके जीवन में स्मूथनेस है। अगर मैं इनके 34 ईयर में भी यहाँ भाग्य रेखा पर भी देखूँ तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए रेखा इस तरह से जा रही है ये, तो कोई दिक्कत परेशानी मुझे ऐसी नहीं दिखाई देती। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये चल रही है, यहाँ पर थोड़ा सा ये कट है, जैसे कि कोई होता है कि आप लोन लेने लगें ये 37-38 के आसपास, क्योंकि आप लोन ले रहे हैं, कोई बड़ा वो कर रहे हैं काम, और ये देखिए यहाँ से रेखा एकदम स्मूथ एकदम सॉफ्ट चली जा रही है, आगे भी रेखा स्मूथ सॉफ्ट है एकदम, ये देखिए ये इस तरह से चल रही है। ये देखिए
यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है 38 के बाद ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कि जैसे ज़्यादा या तो लोन ज़्यादा लेने की वजह से थोड़ा सा बर्डन बढ़ना, अदरवाइज लेकिन ये धीरे धीरे साफ स्वच्छ होती जा रही रहेगा, तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी की बात मुझे नहीं दिखती। ये देखिए भाग्य रेखा अपने में अच्छी प्रबल है, जैसे कि किसी अच्छे घर परिवार में पैदा होना, वहाँ पर सुख सुविधा के साधन पाना और फैमिली से काफ़ी सपोर्ट मिलना, इस तरह की चीज़ें। ये देखिए यहाँ से रेखा निकली और एकदम सीधी, तो इस तरह से चल रही है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जीवन रेखा इस तरह से चल रही है और यहाँ पर बहुत सारी ये लाइन्स मुझे दिखाई पड़ती हैं। तो ये रेखा ये स्ट्रगल्स भी करवाती हैं, होता क्या है कि इंसान को टेंशन्स देना, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स देना, स्ट्रगल्स दे पाती हैं, लेकिन अभी ये खैर समय बीत चुका है। अगर हम देखें यहाँ पर ये इस तरह का 38 के आसपास और कुछ बड़ा जीवन में करने का योग बनाती है कि 38-40 तक आते आते ऐसी 42 पे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी का भी इंडिकेशन ये देती है। और रेखा थोड़ी सी मैं इनको बोलूँगी कि अपने लाइफ में जैसे अगर हम देखें तो थोड़ा सा ये जैसे ज़्यादा मेहनत करने का इंडिकेशन दे रही है। जैसे होता है ना कि इंसान बहुत वर्कहॉलिक होता है, ज़्यादा मेहनत करता है, तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम कम निकालता है, थोड़ा सा वो चीज़ दिखती है कि अपने ऊपर भी टाइम निकालें। अदरवाइज़ देखें तो हैंड में ऐसी कोई दिक्कत बिज़नेस को लेकर नहीं दिखती, बिज़नेस वाला ही हैंड है ये। अब ये देखिए हाथ में चलते हैं और चीज़ों की ओर, मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इनके हाथ में देखने को मिली तो वो सब मैं वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी। तो अगर हम देखें तो बिज़नेस का हैंड, बिज़नेस वाला हैंड है, साथ में मैंने बताया फॉरेन कंट्री में ही बिज़नेस करेंगे और वहीं से ही वो बिज़नेस फ्रूटफुल होगा। अब यहाँ पर हाथ में देखें तो देखते हैं इनके हाथ में स्क्वायर्ड हैंड है ये, देखिए अच्छा खासा सुंदर सा पिंक कलर का पाम है और पाम में फ्लफीनेस है, माउंट्स एकदम फ्लफी दिखाई दे रहे हैं, मजबूत दिख रहे हैं। तो ये एक पाम एक अच्छा वेटेज वाला पाम है। अब देखिए जब भी जब पिंक कलर का पाम होता है तो इंसान को जीवन में अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, जो वो मेहनत करता है उसकी पूरी भरपाई होना, पूरा रिजल्ट्स हासिल होना, ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अब देखिए मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि इस रेखा के लिए ना आपको ग्रीन कलर का यूज़ अपनी लाइफ में बढ़ाना चाहिए कि जिससे कि जैसे ये ग्रीन कलर है टाइमर आपको दिख रहा है या ये ग्रीन है, ये कलर का जैसे अपने साथ हैंकी रखना या टी शर्ट्स यूज़ करना, तो इस तरह की चीज़ों से बुध आपका और बल होगा। ये जैसे कहना चाहिए कि ये जो है बिजनेस रेखा पर बल आएगा, तो ये चीज़ भी दिखाई पड़ती है। और साथ में आप देखिए तो जैसे स्क्वायर्ड हैंड है तो स्क्वायर्ड हैंड में इंसान को जीवन में ऐसा लगता है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे जितने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, लेकिन लेटर ऑन लाइफ में जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे रिजल्ट्स उनको मिलने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो बहुत ही बढ़िया एम का चिन्ह बना हुआ है। एम का चिन्ह चार मुख्य रेखाओं से बनता है, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और हृदय रेखा और जीवन रेखा। इंसान अपने दिमाग से अपनी मेहनत से बहुत अच्छा पैसा कमाता है और साथ में देखिए अपने जीव अपने जैसे होता है पैशन को फॉलो करना तो दिल खुश रहता है और फिर साथ में जीवन अपने जीवन को भी सुखमय बनाता है। अब अगर हाथ में मैं देखूं यहाँ पर इनका एक प्रश्न था कि एक रेस्टोरेंट का बिज़नेस और एक क्लॉथिंग का बिज़नेस, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखा जाए तो रेस्टोरेंट के बिज़नेस में भी इनका जो है फ़ायदा दिखता है। गुरु पर्वत इनका गुरु काफ़ी अच्छा है और शुक्र थोड़ा सा डाउन है। मुझे क्लॉथिंग के बिज़नेस में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा नहीं होगा। क्लॉथिंग मतलब साज सज्जा की चीज़ें, डेकोरेटिव अपना पहनने ओढ़ने का एक जैसे कहना चाहिए कि चीज़ें होती है, तो उसका रिलेशन शुक्र से निकल के आता है, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा कम दिखती है कि क्लॉथिंग का बिज़नेस अगर ऑनलाइन इन्होंने बोला तो वो मुझे इतना फ़ायदेमंद नहीं दिखाई पड़ रहा। अब हाथ में इनका जो क्वेश्चन था एक मैरिज का, वो भी मैं वीडियो के दौरान बताऊंगी। अब यहाँ पर एम का चिन्ह बहुत अच्छा है और एक चीज़ और बताएंगे, देखिए यहाँ पर ये धन की तिजोरी, इंटरनल पोजीशन सॉलिड होना, बैंक बैलेंस भी अच्छा बना लेंगे जीवन में। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बैंक बैलेंस में ऐसे लोगों का पैसा बिज़नेस में लगा रहता है। बैंक बैलेंस का मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसे नहीं होंगे, बिज़नेस में पैसा लगा रहना ये चीज़ का इंडिकेशन मिलता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं जीवन का ग्राफ देखूँ, ये देखिए इस तरह से चल रहा है, जीवन में जो आपने मेहनत करी उसका ज़िंदगी भर खूब फल आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखें तो अब उंगलियों की ओर आते हैं, ये देखिए झरोखा मुझे दिखता है, ये देखिए गैप है, तो इसका मतलब इंसान जो है पैसा खर्च करने का शौकीन है, शॉपिंग करने का शौकीन होता है, पैसा खर्च करना, और कई बार होता है खर्चे आपके लगे रहते हैं जिसकी वजह से थोड़ी आपकी सेविंग्स कम हो रही होंगी। देखिए ये गैप्स हैं, सब ये छोटे छोटे गैप्स हैं, तो खर्चों का लगा रहना।
अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए फिंगर इधर की ओर मुड़ रही है, तो ऐसे में ईश्वर, इनको भगवान में आस्था होती है, धार्मिक विचार के होते हैं, ईश्वर में रिलीजियस माइंडेड होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए दोनों फिंगर बराबर है, जुपिटर की फिंगर भी और साथ में ये सूर्य की फिंगर भी। होता क्या है, ऐसे में इंसान अपने के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी खासी होती हैं और टैलेंट और स्किल्स भी होते हैं, तो ये दोनों चीज़ों का यूज़ करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये फिंगर जो है फर्स्ट फैलेंस तक पहुंच रही है, लगभग पहुंच गई है ऐसा लग रहा है देखने में, लेकिन पहुंच गई है। तो ये क्या होता है कि ऐसे में इंसान में टैक्टफुलनेस भी होती है, परंतु कभी कभी जब बिल्कुल टच सी कर रही है, ऐसा लग रहा है बस टच कर रही है नहीं कर रही है, इस तरह का थोड़ा सा डाउट हो, तो ऐसे में इंसान के अंदर मिक्स रिजल्ट्स मिलते हैं। टैक्टफुल भी हैं, सब कुछ है, लेकिन इमोशनल भी हैं, सामने वाले की बातों में थोड़ा सा जल्दी आ जाना, इस तरह की चीज़ें हो एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा उस चीज़ से बचना चाहिए। और क्या होता है कि लोग थोड़ा सा, कई बार होता है कि डिसीजन मेकर ये अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो लोगों की बातों पे जल्दी आना, विश्वास जल्दी कर लेना, वो चीज़ इनको थोड़ा सा नुकसान देती है। अब आते हैं हाथ में फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें कि उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनकी उंगलियों को देखें तो ये देखिए उल्नर लूप है। ऐसे में इंसान अपना प्रोफेशन से अलग हटके सोचता है, यानी कि आपने जिस चीज़ की पढ़ाई करी है ना, तो उस चीज़ से अलग हटके सोचेंगे, उस पढ़ाई से रिलेटेड वर्क नहीं करता है इंसान। इंसान को होता है कई बार कि मेरे को जीवन में कुछ और करना है, अपनी और तरह तरह की नॉलेज गेन करने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि अपने फील्ड से अलग हटके और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस फील्ड में जाऊँ तो मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर बनी रहती हैं। देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव रेखा है, ये क्या होता है कि इंसान को जब भी कोई अच्छा काम करा, किसी के लिए भलाई का काम करा, लेकिन बदले में आपको बुराई मिलती है। अब ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरह का ये उन्नर लूप है। इंसान जीवन में क्या होता है, तरह तरह के फेजेस देखता है और इतना उसको एक्सपीरियंस हो जाता है कि सबसे लोगों की कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन मेरे को खाली बातें बना रहा है, कौन मेरे समय पे काम आता है, इन सब चीज़ों का ज्ञान बहुत अच्छे से हो जाता है। ऐसे लोग जीवन में समझ जाते हैं कि बिल्कुल जीवन का आईना अच्छे से दिख जाता है। ये देखिए ये भी लाइन्स इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं कि लोगों से धोखा खा के इंसान बहुत कुछ सीखता है, लेसन सीख जाता है इंसान। यहाँ पर देखें तो ये देखिए इस तरह का ये डबल लूप मुझे देखता है। जब भी सूर्य पे इस तरह का डबल लूप होता है, ऐसे में इंसान मल्टीपल चीज़ें सोचता है, एक तरह के बिज़नेस करने की नहीं सोचता। जैसे मान लीजिए अभी एक इनका प्रश्न भी यही था कि सर्विस छोड़ के बिज़नेस करा जाए तो कैसा रहे, तो उसमें मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोचते हैं ये कि ऐसा करूं तो ऐसा कैसा रहेगा, ये करूं उसको और एक्सपेंड कैसे करूं, इस तरह की चीज़ें तीन चार ये सोचते हैं। एक बार में एक चीज़ नहीं सोचते, ये तीन चार चीज़ें लेके चलते हैं ऐसे लोग। ये देखिए ये इस तरह की नेगेटिव रेखा, इनके हाथ में नेगेटिव रेखा का भी असर है। देखिए यहाँ पर ये तो ये कई बार होता है कि आपको ऑफिस पॉलिटिक्स फेस करनी पड़ती है, या फिर जैसा होता है कि आपने कोई अच्छा काम करा तो कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, और जब कोई गलती हो जाती है तो उसको सब कहने लगते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें भी कई बार फेस करनी पड़ जाती हैं। और या होता है कि अच्छा काम करने के बावजूद भी नेम फेम नहीं मिलता है, तो ऐसे में मैं इनको यही बोलूँगी कि आप सुबह उठ के थोड़ा मेडिटेशन करें और उनका उच्चारण करा करें, मेडिटेशन में ओम इस तरह से जब आप बोलेंगे तो आपका ये काफ़ी जो है नेगेटिव रेखाओं का असर ख़त्म हो जाएगा। 6 से 8 महीने लगते हैं, लेकिन इनका असर काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। 80-90% मेरे को जो फीडबैक्स मिलता है, 80-90% ख़त्म हो जाता है। और जो क्या होता है कि आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे हाथ में पॉइंट्स हैं, रेखाएँ हैं, वो फुल फ्लैशली वर्क करने लगते हैं। अब यहाँ पर देखें तो हमें दिखता है कि ये उल्नर लूप, तो ऐसे में इंसान को स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हाँ, इनका एक प्रश्न था लॉटरी के बारे में, तो ये लॉटरी का मुझे चीज़ नहीं दिखती। ये क्या होता है, ये देखिए ये अमाउंट, ये चीज़ फ्लफी है, तो ये इंसान को ना थोड़ा सा वो करता है कि अंदर से एक इच्छा उठती है कि अगर मैं लॉटरी करूँ, जुआ सट्टा करूँ, तो मुझे सफल बन जाऊँ, इजी मनी के ट्रिक्स ये उस तरफ ले जाता है। लेकिन इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ लॉस करवाएगी। अगर ये लॉटरी या इस तरह के स्टॉक ट्रेड, इस तरह की चीज़ों में जाएंगे तो वहाँ से इनको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये अच्छी अच्छी लाइन्स भी हैं, ये देखिए काफ़ी बढ़िया लाइन्स हैं, ये इंसान को भाग्यशाली बनाती हैं। ये इंसान जीवन में काफ़ी अच्छी उपलब्धियों पर काफ़ी राइज करता है। जब जैसे 60 साल की उम्र में इंसान अपनी कैलकुलेशन लगाता है, मैंने अपने जीवन में क्या करा, मैंने कितना कमाया, कितना खोया, तो एक अच्छी पोजिशन पर पहुँच चुके होते हैं। अब यहाँ पर देखें हाथ में, तो चलते हैं थंब की ओर, देखें थंब में हमें क्या मिलता है।
देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मुझे एक डबल लूप दिखता है, बड़ा क्लियर डबल लूप। मैं थोड़ा पिक्चर को बड़ा करके दिखाती हूँ, ये देखिए डबल लूप है ये इस तरह से, ये गोल घुमाव, ट्विस्ट एंड टर्न्स बताता है जीवन में। जैसे कि अब जीवन में इंसान कर कुछ और रहा होगा, थोड़ा टाइम बाद लगेगा मैं कुछ और कर लूँ, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। हाथ में चेंजेस का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देता है। अब देखिए जब भी इस तरह का आता है, आप एक रोड पर चल रहे थे, फिर आपको अचानक से लगा नहीं नहीं ये रास्ता ठीक नहीं है, दूसरी रोड आपने ली, फिर तीसरी रोड आपने ली, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। आप एक उस पर नहीं टिके रहेंगे कि एक अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो उसी एक तरह के बिज़नेस पर चलते रहें, और भी तरह की चीज़ों में अपना हाथ ट्राई करने में ये इंटरेस्टेड रहते हैं। अब यहाँ पर देखें तो देखिए अच्छा खासा विल पावर है, और अगर मैं देखूं इस अंगूठे को, एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ अंगूठा है, जो सोच लिया उसे करके दिखाएंगे, मजबूत से सख्त अंगूठा है, अच्छा लंबा अंगूठा है, विल पावर। लेकिन लॉजिक और प्लानिंग पे भी थोड़ा सा इनको वर्क करना चाहिए, लॉजिक और प्लानिंग का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। लाइन ऑफ ट्रैवलिंग भी बहुत अच्छी है, लाइन ऑफ डिज़ायर्स बहुत अच्छी है इनकी। और ये देखिए ये यहाँ पर यव का चिन्ह, एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेते हैं, परिवार की मान मर्यादाओं को फॉलो करते हैं और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करते हैं। देखिए छोटी छोटी नेगेटिव रेखाएं, ये क्या होता है इंसान के जीवन में थोड़े हर्डल्स लेकर आती हैं कि जो आपके ड्रीम्स हैं उनको फॉलो करने में थोड़ी सी दिक्कत आना। अंगूठे की शेप देखें तो एकदम मजबूत, एकदम सीधा खड़ा हुआ अंगूठा है, जो सोच लिया वो करके दिखाएंगे, बस जो ठान लिया मुझे करना ही है, चाहे दुनिया इधर की इधर से हो जाए, मुझे इस तरह के होते हैं। बस थोड़ा लॉजिक प्लानिंग पर वर्क करें और अच्छी सक्सेस ये जीवन में पा सकेंगे। अब यहाँ पर चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड में हमें क्या सिंबल्स, क्या हमें फिंगरप्रिंट्स में क्या मिलता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर हमें इस तरह का रेडियल लूप मिलता है। जब भी इस तरह का रेडियल लूप होता है गुरु की फिंगर पे, तो जो काम एक बार सोच लिया उसको परफेक्टली करते हैं, जो काम मिला है उसमें किसी तरह की केयरलेसनेस, किसी तरह का जल्दबाजी ये पसंद नहीं करते, और उस काम को बिल्कुल परफेक्शन के साथ, तरीके के साथ, एक फॉर्मेट के साथ ये लोग करते हैं कि फॉर्म में काम आना होना चाहिए। ये नहीं कि बस काम मिला है तो जल्दी जल्दी निपटाओ, नहीं, तरीके से कायदे से करते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये इस तरह का हमें एक ये देखिए लूप दिखता है, ये इस तरह का निशान दिखाई देता है, तो ये भी हमें एक तरह का रेडियल लूप है। ये क्या करता है कि जैसे शनि के उस फिंगर पर है तो ये कहीं ना कहीं जीवन में एक इंसान को काफ़ी ज्ञान दिलवा देता है, एक ऐसा लेवल का ज्ञान कि जो लोग भी देख के हैरान रहते हैं कि इनको सामने वाले को देख के बता देना कि ये क्या चल रहा होगा इसके मन में, ये क्या सोच रहा होगा, ये क्या करने वाला है, ये मेरे लिए अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है, इस तरह का ज्ञान करवा देता है ये। और जीवन में काफ़ी जैसे उतार चढ़ाव देखा होता है तो उससे बहुत कुछ सीखना और बहुत आगे तक जाना, ये सब चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर देखें तो हमें एक बड़ा अच्छा चक्र का निशान दिखता है। देखिए हाथ में ये सूर्य की फिंगर पर चक्र का निशान कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये जो चक्र का निशान सूर्य की फिंगर पर बहुत मायने रखता है। लेकिन देखिए ये साथ में नेगेटिव रेखा भी है, तो जो मैंने उपाय बताया है ओम वाला वो करने से ये सब चीज़ें नलीफाई हो जाएंगी। अब ये देखिए ये चक्र का निशान जो है जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाता है, हालांकि लेफ्ट हैंड में फिर भी, लेकिन अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जीवन में बहुत अच्छे पैसा भी कमाते हैं, नेम फेम सक्सेस पाते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये इस तरह का हमें एक पिकॉक साइन मिलता है। इनके जो पिकॉक साइन होता है मैंने ज़्यादातर देखा है, ये क्या करते हैं कि इनको शॉर्टकट मेथड्स पसंद आते हैं मनी मेकिंग में, तो वो चीज़ से थोड़ा बचना चाहिए, ये फ्रूटफुल नहीं रहते। जैसे कि हमने राइट हैंड में भी देखा था कि राइट हैंड में हमने एक उल्टा लूप देखा था, तो ये चीज़ थोड़ा सा मन में कई बार इनको उकसाएगी कि मैं अगर पैसा कमा लूँ किसी भी तरह छोटा वो करके, तो वो चीज़ की इच्छा बनी रहना। हालांकि मनी सेविंग की ट्रिक्स टिप्स बहुत अच्छी जानते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टुवर्ड्स इनका ज्ञान बहुत अच्छा होता है और उसे काफ़ी बेहतर होता है। अब इनके हाथ में चलते हैं अंगूठे की ओर, अब अंगूठे पर भी सेम वही गोल घुमाव है राइट हैंड की तरह से, तो ये गोल घुमाव, ये डबल लूप है। डबल लूप जब भी, जैसे मैंने बताया, जीवन में उतार चढ़ाव की ओर बताता है कि उतार चढ़ाव जीवन में या ट्विस्ट टर्न्स आना, इस तरह की चीज़ें, एक पल में लगेगा आज हमारे पास सब कुछ है, एक पल में लगेगा अरे सब बेकार है, इस तरह की चीज़ें होना। तो और यहाँ पर भी ये यव का चिन्ह है जो इंसान को बहुत भाग्यशाली बनाता है, और माता पिता की, जैसे इन्होंने कहा कि इनका बहुत मन है उनके साथ में रहने का, तो माता पिता के लिए भी ये बहुत कुछ कर पाएंगे, भले ही दूर रह के करें लेकिन बहुत कुछ करने का योग दिखाई देता है। अब हाथ में दसों उंगलियों का अगर हम समराइज़ करें तो हमें एक चक्र का निशान मिला इनके
जो सूर्य की फिंगर पर लेफ्ट हैंड में, बाकी हमें उल्नर लूप देखने को मिले, रेडियल लूप्स देखने को मिले और ये डबल लूप्स भी देखने को मिले। तो एक मिक्स किस्म का हेड है। इनको एक्सपेंशन के बारे में सोचते होंगे, बड़ा सोचना, जीवन में बड़ा कुछ करके दिखाना, एक्सपेंड करना। इनका ये नहीं कि एक बिज़नेस खोला तो उसी पे बैठे रहे, उसी पे ज़िंदगी बीत गई। इनको यह है कि और बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मुझे उड़ना है, उसकी इस तरह की इनकी थॉट्स होती हैं। इनको होता है कि मुझे जीवन की ऊँचाइयों पर पहुँचना है, इस तरह के वाले व्यक्ति होते हैं और ये सचमुच काफ़ी कुछ करके दिखा भी पाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इनके माउंट्स की ओर, कि पर्वत इनके क्या बताते हैं। राइट हैंड की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनका देखें तो गुरु पर्वत को, गुरु पर्वत वैसे तो उभरा हुआ सा है, देखिए उभरार है, लेकिन थोड़ा सा बीच में से फ्लैटेंड टाइप लगता है। तो देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे अपने घर परिवार वालों को मिस करना, खास तौर से जो लोग विदेश में रहते हैं, तो मैंने देखा है कि वो लोग थोड़ा अपने घर परिवार वालों को मिस करते हैं, तो गुरु उनका थोड़ा फ्लैट टाइप का सा इस तरीके से होता है, इस तरीके से। और देखिए शुक्र भी अगर हम देखें तो थोड़ा फ्लैट है, तो ऐसे में शादी भी देर से होती है ऐसे में लोगों की। और यहाँ पर देखें तो अच्छा रहन सहन, अच्छा लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। ये देखिए एक ये एपेक्स का चिन्ह है, तो ऐसे में टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज अपडेट करने में ये लोग विश्वास रखते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये इस तरह की रेखा ये बताती है ड्रीम्स के बारे में, बड़े बड़े ड्रीम्स, बड़ा बड़ा एक्सपेंशन इनको चाहिए होता है। और यहाँ पर मैं देखूँ तो ये इस तरह का स्क्वायर का चिन्ह है। जीवन में अच्छे लाइफस्टाइल को पसंद करते हैं लोग, लग्जरियस लाइफ, अच्छा लाइफस्टाइल, अपना अच्छा पहनना ओढ़ना, अच्छा रहन सहन ये लोग पसंद करते हैं। अपने लगता है इनको कि मैं जो है अपनी हैसियत से बढ़ के क्या कर सकता हूँ, इस तरह की भी थॉट्स इनके अंदर होते हैं। यहाँ पर देखें तो शनि पर्वत फ्लैट है और ये देखिए एपेक्स का चिन्ह है, तो ईश्वर शक्ति का हाथ भी रहता है। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये इस तरह का लूप है। ये जब भी इस तरह का ये लूप ऑफ सीरियसनेस होता है, काम को अच्छे से करना, कायदे से करना, इस तरह की इनकी आदत बन जाती है। और ये खुद भी खाली बैठना पसंद नहीं करते, ना दूसरों को खाली बैठने देते हैं। यहाँ पे देखिए गर्डल ऑफ वीनस, ये एक शुक्र वलय है। ऐसे लोग जीवन में एक कहना चाहिए अपने परिवार वालों के लिए बहुत लकी रहते हैं। जब पैदा होते हैं तो मम्मी पापा को, अपने माता पिता को मॉनेटरी बेनिफिट्स कराते हैं, उसके बाद अपने भाई बहनों को लक देना, बड़े होते हैं तो और जैसे कहना चाहिए शादी हुई तो शादी के बाद लाइफ पार्टनर को लक देना, हर किसी के लिए लकी साबित होते हैं। अपने फ्रेंड्स में, अपने कजन्स में ये एक तरह से लक भी घेरते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ इनको, देखिए सूर्य पर्वत अच्छा खासा है। देखिए सूर्य पर्वत अच्छा खासा होता है तो पिता का काफ़ी सपोर्ट मिलता है, ऐसा लगता है जीवन में पिता ने काफ़ी कुछ किया हो, पिता का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और सूर्य पर्वत जब अच्छा होता है तो इंसान अच्छा नेम फेम भी गेन करता है। देखिए अच्छा खासा ये एक नक्षत्र का निशान है, ये तारे का चिन्ह है। बहुत बड़ा नेम फेम पाना, बहुत एक तरह से ग्रो करना इंटरनेशनली, ये सब चीज़ें दिखती हैं। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी सूर्य रेखा इस तरह से निकल रही है, एक ये पूर्व पुण्य रेखा, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल भी इस जन्म में मिलता है। और ये देखिए ये यहाँ पर ये देखूँ तो ये रेखा अगर टच नहीं कर रही है, अगर ये टच करती तो और बढ़िया योग बन जाता, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में ये चीज़ टच करने लगे। तो ये इंसान को देखिए जब इस तरह का निशान बनाता है हाथ में, इतनी लंबी रेखा सूर्य रेखा हो, तो इंसान आगे जीवन में ग्रो भी करता है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ लेता है और 55 वर्ष के बाद काफ़ी अच्छा नेम फेम भी मिलता है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए बुध पर्वत इनका अच्छा खासा है और यहाँ पर एक रेखा इस तरह से आ रही है, बिजनेस माइंडेड बनाती है, बिजनेस करने की क्षमता। थोड़ा सा मैं इनको सजेस्ट करूँगी, यहाँ से हल्का सा दबा हुआ है तो किसी से पहले राय लें बिजनेस करने की ट्रिक्स टिप्स, ये थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लें, थोड़ा सा चाहे एक जैसे होता है कि एक ट्रेनिंग टाइप लेके तब अपनी चीज़ों को शुरू करें, बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर देखें तो जैसे मैंने ग्रीन कलर का यूज़ बढ़ाने को बोला था, वो रेमेडी भी वर्क करेगी। अब इनकी मैरिज लाइन की ओर चलते हैं कि मैरिज लाइन क्या दिखाती है। अब देखिए मैरिज लाइन अच्छी खासी लंबी है, तो पार्टनर का सपोर्ट मिलना और जैसे कहना चाहिए कि एक अपने पार्टनर को अच्छे से मान सम्मान इज्जत देना, पार्टनर को एक वैल्यू देना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह की रेखा दिखती हैं। ये कुछ इन्फैचुएशंस लाइन, इन्फ्लुएंस लाइंस दिखाई देती हैं कि हो सकता है कोई वन साइडेड लव या कोई अफेयर रहा हो कि इनका, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर चलते हैं इनके लेफ्ट हैंड में भी देखते हैं कि क्या हमें दिखता है। देखिए यहाँ पर भी लाइन अच्छी खासी है, ये मैरिज लाइन में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी मुझे नहीं दिखाई देती।
और यहाँ से एक रेखा हल्का सा ये कर रही है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी का इंटरफेरेंस दिखता है हल्का सा। तो ये हो सकता है कि बाकी ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है। अब देखिए हाथ में देखें तो मंगल पर्वत अच्छा खासा है, भारी मंगल भी बढ़िया है, अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, यानी हिम्मती और साहसी भी हैं और अंदर से भी बहुत बोल्ड हैं। ऐसे लोग को प्रॉपर्टी का भी अच्छा सुख मिलता है। ऐसे लोग मैंने देखा है कि कहना चाहिए कि जीवन में अच्छी तरक्की भी पाते हैं, रिस्क ले टेकर होते हैं ऐसे लोग। चंद्रमा मैंने बताया बहुत बढ़िया है इनका, यहाँ से देखिए ये इस तरह से ये यहाँ से लाइन निकलना है, लेडी लक का बहुत सपोर्ट मिलता है, चाहे माँ हो बहन हो आगे जाके जीवन में वाइफ हो। और ये देखिए पूरी तरह से ये फॉरेन कंट्री में सेटलमेंट का पाम देखता है। अब शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत थोड़ा सा मीडियम है, ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा पीछे होते हैं, मतलब होता है कुछ लोग तो बोल्डली बोल देते हैं, लव के मामले में फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं, ये लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं शाय नेचर के होते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें इनके हाथ में रेखाएँ, जैसा कि मैंने बताया रेखाओं के बारे में, देखिए लाइफ लाइन हमने देखी ली, मस्तिष्क रेखा भी देखी, आगे जीवन में और तरक्की पाते जाएंगे, साफ स्वच्छ समय चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसे ही भाग्य रेखा ये देखिए अच्छी खासी है, ग्रो करवाती रही 38 के बाद। हाँ इनको थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि हाथ देखे कि रिस्क लेने में थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा लोन ले लें, बहुत बड़ा रिस्क ले लें, तो जो इनके जीवन में दिक्कत परेशानी खड़ी करे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वालों में से या ऊंची उड़ान भरने की सोच वाले व्यक्ति लगते हैं मुझे। और यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये 38 पे कट है, उसके बाद थोड़े थोड़े समय पर कट्स हैं, लेकिन भाग्य रेखा को परेशान नहीं कर रहे, खर्चों की ओर इंडिकेशंस देते हैं। अगर हम मैरिज के समय की बात करें तो मुझे कुछ 38 के आसपास का समय दिखता है मैरिज करने के लिए, या ये अगर चाहें तो अगले साल भी इनके शादी के 2020 में भी अच्छे खासे योग दिखते हैं। और देखा जाए तो हृदय रेखा इनकी, देखिए ये हृदय रेखा अच्छी खासी है, हृदय ऐसे ही हृदय रेखा वाले लोगों का जो हार्ट होता है काफ़ी विशाल होता है, काफ़ी ज़्यादा दूसरों के लिए करना, दूसरों को बहुत मान सम्मान देना, दूसरों की हेल्प करने की इच्छा होना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। परंतु थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनको जीवन में थोड़ा सपोर्ट कम मिलता होगा, या कहना चाहिए रेस्पॉन्स जो है तो वो चीज़ कम मिलती है। अब आते हैं हाथ में इनके लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड में हमें क्या दिखता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड की स्थिति देखें तो लेफ्ट हैंड मुझे थोड़ा सा डाउन दिखता है, राइट हैंड बहुत बेटर है उससे, मैंने एक नज़र में ही देख के समझ गई। देखिए माउंट्स को देखिए कितना हैवी था वो काम, उसमें माउंट्स कितने ज़्यादा फ्लफ़ी थे, चंद्रमा था, चंद्रमा हो चाहे और भी माउंट्स अगर हम देखें तो बहुत गुदगुदा और फ्लफ़ी टाइप का काम था। यहाँ पर देखें तो गुरु इनका अच्छा है, शनि इनका मीडियम है, देखिए दबा हुआ है थोड़ा सा, तो मन में परेशानी का चलना। और ये देखिए सूर्य, देखें सूर्य यहाँ पर अच्छा है, और तो पिता का सपोर्ट जीवन में अच्छा मिलेगा, बुध इनका अच्छा है, और यहाँ पर देखें तो रेखा बहुत टूटी टूटी हल्की हल्की सी बिजनेस रेखा चल रही है। मंगल पर्वत देखें यहाँ मीडियम है, ये देखिए मंगल पर्वत यहाँ मीडियम दिखते हैं, और अंदर से कहीं ना कहीं एक डर सताना, और चंद्रमा यहाँ अच्छा है, यहाँ से भाग्य रेखा यहाँ से भी निकल रही है, तो ये बताती है फॉरेन कंट्री से ही पूरी तरह से पैसा कमाने के, फॉरेन कंट्री का सेटलमेंट दिखा रही है। देखिए शुक्र यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है, जैसे कई बार होता है लव के मामले में वन साइडेड फीलिंग्स होना, या आप कह नहीं पा रहे हो, इस तरह की चीज़ें देखना होना। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये देखिए लाइफ लाइन अच्छी है, यहाँ पर ये इस तरह का ये कि 37 38 में बड़ा ये हो गई है कोई अपॉर्चुनिटी का जी दिखाई पड़ता है। आगे भी जीवन देखें तो साफ स्वच्छ चल रहा है, भाग्य रेखा यहाँ अच्छी खासी निकल रही है, और ये देखिए ये एकदम डबल हो रही है, ये देखिए यहाँ से ये देखिए स्टॉप हुई, यहाँ से अगर मैं देखूँ ये इस तरह से हो रही है, तो ये इस समय कोई ना कोई कुछ नया काम, नए तरीके की इनकम बढ़ाने की सोच रहे हैं, ये देखिए आगे भी चलाते रहेंगे बिजनेस को, ऐसा नहीं कि स्टॉप करना पड़ेगा, आगे चलता रहेगा बिजनेस, ये देखिए ये चलता रहेगा, ये और भी नए नए काम करने की सोचते रहेंगे, ये तो ये बिजनेस वाला ही हैंड दिखता है पूरी तरह से। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक ये लूप और दिखाती हूँ मैं, ये लूप ऑफ ह्यूमर है, अपने जब भी फ्रेंड सर्कल में बैठते होंगे तो अच्छा हंसी मजाक करना, खुश रहना, इस तरह की चीज़ दिखती है। यहाँ पर देखें मस्तिष्क रेखा को, तो मस्तिष्क रेखा ये देखिए ये
ये डिस्टर्बेंस दिखा रही है, ये अब तक अपने जीवन में बहुत खुश नहीं होंगे, जो ये कर रहे होंगे उससे इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है इन्हें, लेकिन बाद में लेटर ऑन लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा करा मैंने, मुझे जो चाहिए था वैसा हो पा रहा है ये देखिए। हालांकि इस समय में थोड़ा सा ये देखिए, इस समय तो डिस्टर्बेंस और ज़्यादा 30 से लेकर 34 में तो और ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जैसा जैसा समय बीत रहा है वो डिस्टर्बेंस कम होते हुए आगे लाइफ स्मूथ हो रही है। हृदय रेखा थोड़ी डिस्टर्ब है, हृदय रेखा मतलब लोगों से वो रिस्पॉन्स ना मिलना, थोड़ा सा कई बार होता है कि आपको मन में दुख या परिवार वालों से दूर रहने का थोड़ा सा एक दिल में थोड़ा सा मलाल होना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। तो ओवरऑल देखें तो देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता देते हैं और राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम खुद बनाते हैं। लेफ्ट हैंड को देखें तो लेफ्ट हैंड अच्छा है, भाग्य रेखा नीचे से शुरू हो रही है, अच्छी परवरिश, अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना, अच्छी फैसिलिटीज़ मिली होंगी। राइट हैंड लेकिन बताता है जीवन में और बहुत कुछ कर पाएंगे, अपने बलबूते पर बहुत आगे जाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करना, अपने आप को एक अच्छा सक्सेसफुल बनाना। 60 साल की उम्र में आपको लगेगा कि हाँ आज से 20 साल पहले 30 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था और आज मैं कहाँ की कहाँ पहुँच गया, उससे कई ज़्यादा गुना कुछ कर पाना। तो ये चीज़ें मुझे इनके हैंड में रिफ्लेक्ट होती है। लाइन ऑफ इनहेरिटेंस भी मुझे इनके हाथ में दिखाई दे रही है और ये देखें समय इनका भाग्य रेखा का भी ये थोड़ा सा ये देखिए स्ट्रगल ही करा रहा है, सेविंग्स कम होना, इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट समय दिखाता है, लेकिन आगे आने वाले समय इनको धीरे धीरे ग्रोथ देगा। देखिए एकदम तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, धीरे धीरे ग्रोथ मिलेगी और ख़ास तौर से ये 36-37 के आसपास ग्रोथ जीवन में लेते चले जाएंगे। इस्टेब्लिश करने का समय आ गया है, ऐसा लगता है कि ये काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है, अब इन्हें धीरे धीरे कर पाएंगे। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ देखिए थोड़ा बर्डनस चीज़ें रहेंगी, चाहे जैसे लोन लेके बिजनेस करेंगे तो बर्डन का बना रहना, थोड़ा सा रिजल्ट्स का धीरे धीरे मिलना, लेकिन अगर हम देखेंगे तो आगे जाके जीवन में अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, अपना जो एक्सपेंशन है वो भी कर पाएंगे, तो जीवन में काफ़ी उपलब्धि मिल पाएगी। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब तरक्की पाएँ, खूब आगे राइज करें, इनके सभी ड्रीम्स फुलफिल हों और जो भी परेशानी दिक्कत है वो दूर हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस, धन्यवाद।